हेलो फ्रेंड्स, होम मेड मसाला कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, जिसके लिए यहाँ पर मैंने मूंग ले ली है। साथ में हमने मूंग की दाल ली है, उड़द की दाल ली है, चने की दाल, इसके साथ में यहाँ पर है तुअर की दाल, और इसके साथ में यहाँ पर मसूर की दाल। ये सारी दालों को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम सारी दालों को एक में मिक्स करेंगे। जो उड़द की दाल है इसको हम अलग एक बाउल में ले लेंगे और इसको अलग से धो के भिगो देंगे। यहाँ पर मैंने सारी दालों की क्वांटिटी जो हमारी वो सेम रहेगी। अगर वज़न में देखा जाए तो ये पूरी दालें 200 ग्राम होती है। आप मिक्स दाल भी ले सकते हो। ये सारी दालों को हम अच्छे से धो के इसको भिगो देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले उड़द की दाल को हल्के हाथों से दो पानी से धो के साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने उड़द की दाल में अच्छे से धो लिया है। इसमें हम पानी मिक्स कर देंगे। पानी हमको दाल से दुगना रखना है। इसको हमने अब हम इसको साइड में ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने दूसरा बाउल ले लिया है। इस बाउल के अंदर हम हमारी जो सारी दालें हैं मिक्स कर देंगे। इनको हम 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से धो डालेंगे ताकि इसमें कोई भी डस्ट ना रहे। सारी दालों को हमने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर हमने 2 चम्मच चावल ले लिए, जो हम घर में डेली यूज़ करते हैं वो चावल है। ये चावल को भी हम धो के दालों में मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो रेसिपी बनेगी उसके अंदर इसका टेस्ट बढ़िया आएगा और बनाने में इसका ये बहुत मददगार रहेगा। अब यहाँ पर हम इसी में चावल ऐड कर देंगे, साथ में ही हम इसमें भी पानी डाल देंगे। यहाँ पे भी हमको पानी हमारे जो दालें हैं उससे ज़्यादा ही रखना है। उसके साथ में यहाँ पर हम थोड़ी सी मेथी दाने ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड कर देंगे ताकि जो मेथी है वो दालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और चावल भी मिक्स हो जाए। अब इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे इसी तरह ढक के, या आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो भिगो के। आप देख सकते हैं 6 से 8 घंटे भिगाने के बाद हमारी दालें जो अपनी साइज़ में फुल के डबल हो चुकी है और अच्छे से ये फुल चुकी है। साथ में यहाँ उड़द की दाल भी। अब इन दोनों दालों को हम कर देंगे यहाँ पर मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसका बैटर बनाएंगे। हम इसका डोसे की तरह एक बैटर बना के तैयार करेंगे, एकदम सॉफ्ट। अब यहाँ पर ले लिया हमने मिक्सी जार। मिक्सी जार में हम इसको ऐड कर देंगे। अब हम एक साथ पानी इसमें नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको पीस लेंगे। इसके साथ में ऐड कर देंगे हम यहाँ पर हरी मिर्ची और साथ में जाएगा जीरा। देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा बैटर है बन के रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं डोसे के लिए पीसते इस तरह हमने इसको पीस के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसे मिला देंगे नमक स्वाद अनुसार और साथ में मिला देंगे, ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, उनको कर देंगे मिक्स। इसको 10 मिनट के लिए रख के हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने बैटर को रख दिया है। अब हम बना लेंगे इसकी टेस्टी सी चटनी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया हरा धनिया, साथ में ऐड कर देंगे हरी मिर्ची, लहसुन, नमक, साथ में ऐड कर देंगे इसमें आधे नींबू का रस,
है उसको हम पीस लेंगे। ये अच्छे से पीस चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा। इसको पीस लेंगे। यहाँ पर हमारी चटनी जो है बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने तवा गर्म कर दिया है, साथ में हम इसको थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर डोसा बना के रेडी करेंगे। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको साइड से बराबर हम सेट करेंगे। इसको हम अच्छा क्रिस्पी होने तक एक साइड से पका लेंगे। देख सकते हैं अच्छे से पकने लगा है, सही से भी पकने लगा है। इसको हम अच्छा क्रिस्पी होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर अब हम इसको दूसरी साइड पलट देंगे। आगे चमके भी कच्चा ना रहे, दूसरी साइड से भी अच्छे से पक चुका है। इसको हम पलटा देंगे। आप देख सकते हैं अब हम इसको निकाल लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो दूसरा बनके वो रेडी हो चुका है। साथ में यहाँ पर जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी उसके साथ में हम इसको सर्व करेंगे। और यहाँ पर हमारे दूसरे डोसे भी तैयार हो रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।